सब्सक्राइब करें हिस्टोरिक हिंदी यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। भारतीय इतिहास के पन्नों में अत्यंत सुंदर और साहसी रानी रानी पद्मावती का उल्लेख है। रानी पद्मावती को रानी पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है। रानी पद्मावती के पिता सिंघल प्रांत के राजा थे जो आज के श्रीलंका में पड़ता है। उनका नाम गंधर्व सेन था और उनकी माता का नाम चंपावती था। पद्मावती बाल्यकाल से ही देखने में अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। उनके माता पिता ने उन्हें बड़े ही लाड़ प्यार से बड़ा किया था। कहा जाता है कि बचपन में पद्मावती के पास एक बोलता तोता था जिसका नाम हीरामणि रखा गया था। महाराजा गंधर्व सेन ने अपनी पुत्री पद्मावती के विवाह के लिए उनका स्वयंवर रचाया था जिसमें भाग लेने के लिए भारत के अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे। गंधर्व सेन के राजदरबार में लगी राजा महाराजाओं की भीड़ में एक छोटे से राज्य का पराक्रमी राजा राजा मलखान सिंह भी आया था। उसी स्वयंवर में विवाहित राजा रावल रतन सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने मलखान सिंह को स्वयंवर में परास्त करके रानी पद्मावती पर अपना अधिकार सिद्ध किया और उनसे धूमधाम से विवाह करके उन्हें चित्तौड़ ले गए। प्रजा प्रेमी और न्यायपालक राजा रावल रतन सिंह चित्तौड़ राज्य को बड़े कुशल तरीके से चला रहे थे। उनके शासन में वहाँ की प्रजा हर तरीके से सुखी थी। चित्तौड़ राज्य में राघव चेतन नाम का एक संगीतकार बहुत प्रसिद्ध था। महाराजा रावल रतन सिंह उन्हें बहुत मानते थे, इसीलिए राज दरबार में राघव चेतन को विशेष स्थान दिया गया था। चित्तौड़ की प्रजा और वहाँ के महाराजा को उन दिनों ये बात मालूम नहीं थी कि राघव चेतन संगीत कला के अतिरिक्त जादू टोना भी जानता था। ऐसा कहा जाता है कि राघव चेतन अपनी इस आसुरी प्रतिभा का उपयोग शत्रु को परास्त करने और अपने कार्य सिद्ध करने में करता था। एक दिन राघव चेतन किसी गलत उद्देश्य के लिए तांत्रिक कार्य कर रहा था, तभी उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया और दरबार में पेश किया गया, जहां पर उसको दोषी पाया गया और तुरंत उसका मुंह काला करके उसे देश से निकाल दिया गया। अपने अपमान और राज्य से निर्वासित किए जाने पर राघव चेतन बदला लेने पर आमादा हो गया। अब उसके जीवन का एक ही लक्ष्य रह गया था और वो था चित्तौड़ के महाराज रतन सिंह का संपूर्ण विनाश। अपने इसी उद्देश्य के साथ वो दिल्ली चला गया। वहाँ जाने का उसका मकसद दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को उकसाकर चित्तौड़ पर आक्रमण करवाकर अपना प्रतिशोध पूरा करने का था। 12वीं और 13वीं सदी में दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था। उन दिनों दिल्ली के बादशाह से मिलना इतना आसान कार्य नहीं था, इसीलिए राघव चेतन दिल्ली के पास स्थित एक जंगल में अपना डेरा डालकर रहने लगा, क्योंकि वो जानता था कि दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी शिकार का शौकीन है और वो वहाँ पर ज़रूर आएगा। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी अपने खास सुरक्षा कर्मियों के साथ जंगल में शिकार खेलने पहुँचा। उसी वक्त राघव चेतन ने अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद बांसुरी के सुर बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के कानों तक पहुँचे। अलाउद्दीन खिलजी ने फौरन राघव चेतन को अपने पास बुलाया और अपने दरबार में आने का न्योता दिया। तब राघव चेतन ने चित्तौड़ राज्य की सैन्य शक्ति, चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा और वहाँ की संपदा से जुड़ा एक एक राज खोल दिया और राजा रावल रतन सिंह की धर्मपत्नी रानी पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य का बखान भी कर दिया। राघव चेतन की बातें सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ ही दिनों में चित्तौड़ राज्य पर आक्रमण करने का मन बना लिया और अपनी एक विशाल सेना चित्तौड़ राज्य की ओर रवाना कर दी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना चित्तौड़ तक पहुँच तो गई, पर चित्तौड़ के किले की अभेद्य सुरक्षा देखकर अलाउद्दीन खिलजी की पूरी सेना स्तब्ध हो गई। उन्होंने वहीं किले के पास अपने पड़ाव डाल लिए और चित्तौड़ राज्य के किले की सुरक्षा भेदने का उपाय ढूंढने लगे। रानी पद्मावती अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक चर्चा का विषय बनी हुई थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए कपटी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ किले के अंदर राजा रावल रतन सिंह के पास एक संदेश भिजवाया। उसने कहा कि वो रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान सुनकर उनके दीदार के लिए दिल्ली से यहाँ तक आया है और अब रानी पद्मावती को दूर से देखने का एक अवसर चाहता है। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ तक कहा कि वो रानी पद्मावती को अपनी बहन समान मानता है और वो सिर्फ उसे दूर से एक नज़र देखने की तमन्ना रखता है। खिलजी की इस अजीब मांग को राजपूत मर्यादा के विरुद्ध बताकर राजा रतन सिंह ने ठुकरा दिया, पर फिर भी खिलजी ने रानी पद्मावती को बहन समान बताया। इसीलिए उस समय एक रास्ता निकाला गया। पर्दे के पीछे रानी पद्मावती सीढ़ियों के पास से गुजरेंगी और सामने एक विशाल काय शीशा रखा जाएगा जिसमें रानी पद्मावती का प्रतिबिंब अलाउद्दीन खिलजी देख सकेगा।
इस तरह राजपूताना मर्यादा भी भंग नहीं होगी और अलाउद्दीन खिलजी की बात भी रह जाएगी। शर्त के अनुसार चित्तौड़ के महाराजा ने अलाउद्दीन खिलजी को आईने में रानी पद्मावती का प्रतिबिंब दिखला दिया और फिर अलाउद्दीन खिलजी को पूरी मेहमान नवाजी के साथ चित्तौड़ किले के सातों दरवाजे पार कराकर उनकी सेना के पास छोड़ने खुद गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और किले के बाहर अपनी छावनी में कैद कर लिया। इसके बाद उसने संदेश भिजवाया कि महाराजा रतन सिंह को जीवित देखना है तो रानी पद्मावती को फौरन अलाउद्दीन खिलजी की खिदमत में किले के बाहर भेज दिया जाए। राजा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी की गिरफ्त से सकुशल मुक्त कराने के लिए रानी पद्मावती, गौरा और बादल ने मिलकर एक योजना बनाई। इस योजना के तहत किले के बाहर मौजूद अलाउद्दीन खिलजी तक यह पैगाम भेजना था कि रानी पद्मावती समर्पण के लिए तैयार है और पालकी में बैठकर किले के बाहर आने को राजी है। और फिर पालकी में रानी पद्मावती और उनकी सैकड़ों दासियों की जगह नारी भेष में लड़ाके योद्धा भेजकर बाहर मौजूद दिल्ली की सेना पर आक्रमण कर दिया जाए। और इसी अफरा तफरी में राजा रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी की कैद से मुक्त करा दिया जाए। कहा जाता है कि वासना और लालच इंसान की बुद्धि हर लेती है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब चित्तौड़ किले के दरवाजे एक के बाद एक खुले तब अंदर से एक ही तरह की सैकड़ों पालकियां बाहर आने लगीं। जब ये पूछा गया कि इतनी सारी पालकियां क्यों हैं तब अलाउद्दीन खिलजी को यह उत्तर दिया गया कि ये सब रानी पद्मावती की खास दासियों का काफिला है जो हमेशा उनके साथ रहता है। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती पर इतना मोहित था कि उसने इस बात की पड़ताल करना भी ज़रूरी नहीं समझा कि सभी पालकियों को रुकवा कर यह देख ले कि उसमें वाकई दासियां हैं कि नहीं। और इस तरह चित्तौड़ का एक पूरा लड़ाकू दस्ता नारी भेष में किले के बाहर आ पहुंचा। कुछ ही देर में अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती की पालकी अलग करवा दी और पर्दा हटाकर उसका दीदार करना चाहा तो उसमें से राजपूत सेनापति गौरा निकले और उन्होंने आक्रमण कर दिया। उसी वक्त चित्तौड़ सिपाहियों ने भी हमला कर दिया और वहाँ मची अफरा तफरी में बादल ने राजा रतन सिंह को मुक्त करा दिया और उन्हें अंदर पहुंचा दिया। इस लड़ाई में राजपूत सेनापति गौरा और पालकी के संग बाहर आए सभी योद्धा शहीद हो गए। अपनी युक्ति नाकाम हो जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी झल्ला उठा। उसने उसी वक्त चित्तौड़ किले पर आक्रमण कर दिया पर वे उस अभेद किले में दाखिल नहीं हो सके थे। तब उसने किले में खाद्य और अन्य ज़रूरी चीज़ों के खत्म होने का इंतज़ार किया और कुछ ही दिनों में किले के अंदर मौजूद खाद्य आपूर्ति समाप्त हो गई और वहाँ के निवासी किले की सुरक्षा से बाहर आकर लड़ने को मजबूर हो गए। अंत में रतन सिंह ने द्वार खोलकर आर पार की लड़ाई करने का फैसला किया और किले के दरवाजे खोल दिए। किले की घेराबंदी करके राह देख रहे मौका परस्त अलाउद्दीन खिलजी ने और उसकी सेना ने दरवाज़ा खुलते ही तुरंत आक्रमण कर दिया। इस भीषण युद्ध में पराक्रमी राजा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी पूरी सेना भी हार गई। अलाउद्दीन खिलजी ने एक एक करके सभी राजपूत योद्धाओं को मार दिया और किले के अंदर घुसने की तैयारी कर ली। युद्ध में राजा रावल रतन सिंह के मारे जाने और चित्तौड़ सेना के समाप्त हो जाने की सूचना पाने के बाद रानी पद्मावती जान चुकी थी कि अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना किले में दाखिल होते ही चित्तौड़ के आम नागरिक पुरुषों और बच्चों को मौत के घाट उतार देगी और औरतों को गुलाम बनाकर उन पर अत्याचार करेगी। इसीलिए राजपूताना रीति अनुसार वहाँ की सभी महिलाओं ने जौहर करने का फैसला किया। जौहर की रीति निभाने के लिए नगर के बीच एक बड़ा सा अग्निकुंड बनाया गया और रानी पद्मावती और अन्य महिलाओं ने एक के बाद एक उस धधकती चिता में कूदकर अपने प्राणों की बलि दे दी। दोस्तों, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक पहुँच सके।